फ्रेंड्स टू IIT गेम्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अ बोट टेक्स 2 आवर्स टू गो 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड रिटर्न्स इट इन 4 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक, तो देखिए, तो हम ये जो क्या क्या है, स्पीड ऑफ बोट बोल रहा है ना, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये क्या हो जाएगा, एक्स किलोमीटर पर आवर हम सपोज कर रहे हैं। ओके, तो अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी क्या है, वाई किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए, जो आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। देखिए, जो डाउन स्ट्रीम होगी, तो डाउन स्ट्रीम में जब नाव चलेगी, तो नाव चलेगी तो क्या होगा, जो 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 पानी की जो स्पीड है, पानी की जो स्पीड है, जो आपका स्ट्रीम की जो स्पीड है, वो क्या करेगी, उसको सपोर्ट करेगी। देखिए, पानी अगर तेज बह रहा है और उसी की डायरेक्शन में अगर नाव अगर चल रही है, तो वो और तेज आगे बढ़ेगी। अगर पानी, अगर मान लीजिए उल्टा बह रहा है और नाव को आगे जाना है, तो जो पानी की जो स्पीड है, वो नाव की स्पीड को क्या करेगी, अपोज करेगी, डाउन स्ट्रीम जाने में सपोर्ट करेगी और अप स्ट्रीम के केस में क्या करेगी, वो अपोज करेगी। तो देखिए, अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये कह रहा है, अ बोट टेक्स 2 आवर टू गो 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस जो आपकी होती वो क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम। और यहां पर केस क्या है, एक मिनट, इन डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी चलनी है, 40 किलोमीटर चलना है और स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगी स्पीड, x प्लस वाई। टाइम कितना लगेगा, 2 आवर्स लगेगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 20 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन 1। ओके, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम ऑफ रिवर, सॉरी अप स्ट्रीम ऑफ रिवर, रिवर, तो अप स्ट्रीम केस में क्या हो जाएगा, जो स्पीड हो जाएगी वो कम हो जाएगी, जाना 40 किलोमीटर ही है, बट इस बार टाइम क्या लगेगा, 4 आवर्स लगेगा, 4 × x − y, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। ओके, तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसी से हमें क्या मिल जाएगा, इसी से हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी मिल जाएगा एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 30 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 15 इन
इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में रखेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 20 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो यहां से कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर। तो बस यही दोनों हमारे क्या है, आंसर्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए।